देखो ये बातें समझ में आया? देखो फिर से बता दे रहा हूँ, देखो हैव का यूज दो जगह पे होगा, या तो वो पजेसिव केस होगा, पजेसिव केस मतलब अधिकार वाली बातें कहीं भी होगी तब आईएनजी का यूज़ आप हैव के साथ नहीं करेंगे। आई हैव अ कार, शी हैज़ अ कार, शी हैड अ कार, इस तरह से आप कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वही हैव का यूज़ अगर ईट के सेंस में चला जाए या एन्जॉय के सेंस में चला जाए तो हैव की जगह आप आईएनजी का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैं दोनों की आई हैव फन का मतलब क्या समझोगे? मैं मज़ा करता हूँ, यानी परमानेंट प्रोसेस की बात है, जब जब मज़ा टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ, यह टेम्परेरी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि टेम्परेरी की बात करना हो तो आई एम हैविंग फन भी कहेंगे तो भी क्या होगा? सही होगा, आई एम हैविंग फन, इसका मतलब मैं मज़ा कर रहा हूँ। हाँ, आप एक्शन दिखाओगे कि मज़ा कर रहा हूँ तो ऐसे केस में देखो दिखेगा वो एक्शन का मतलब क्या है, समझ जाना कि कोई काम आप कर रहे हो तो दिखाई देगा। और जबकि स्टेटिव वर्ब वो होते हैं या पजेसिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसमें आप दिखाई नहीं देगा, सिर्फ फीलिंग की बात आओगी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसीलिए इन सभी को, इन पजेसिव केस या स्टेटिव वर्ब को नॉन एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। और एक्शन वर्ब किसको कहो? जो काम हो रहा है उस पर आपको दिखाई देगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सब कुछ आंखों सामने होगा। जबकि ये सब स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब कैसे पकड़ते हो? जिसमें फीलिंग की बात आती है, समझ पा रहे? या पजेसिव वर्ब उसके बारे में जिसमें पजेशन की बात आ रहा है, अधिकार की बात हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्या लव कोई किसी से करेगा तो दिखाई नहीं देगा भाई, सिर्फ एहसास की बात होगी। नफरतें कोई करता है तो सिर्फ एहसास की बात होगी, ये कभी दिखाई नहीं देता। क्लियर है? तो ऐसे केस में इस सब में आईएनजी नहीं लगता। कब? जब एक्शन को दिखाना होगा तब इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि एक्शन बन ही नहीं सकता, सिर्फ फीलिंग की बात होगी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो स्टेटिव वर्ब रह के चल जाएगा, और स्टेटिव वर्ब का यूज़ हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनिट में करते हैं। जैसे ही राइट्स तो भी सही है, ही इज़ राइटिंग तो भी सही, उसी तरह मैं बोलूँ। देखो हैव का यूज़ दो तरीके से होगा, या तो पजेशन के केस में आई हैव अ कार, ये पजेशन दिखा रहा, अधिकार दिखा रहा, समझ पा रहे? मेरे पास एक कार है। मैं बोलूँ आई हैव अ बुक, इसका मतलब क्या, मेरे पास किताबें। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें। शी हैज़ बुक्स, उसके पास किताबें, वो पजेशन की बात है। लेकिन अगर कह दें शी इज़ हैविंग बुक्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस वे में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकार का सेंस कभी भी एक्शन में नहीं जा सकता, वो सिर्फ क्या होगा, पजेसिव केस में विदाउट आईएनजी के केस में आएगा। जब यही वर्ब आपको ईटिंग के सेंस, इट बताओ कौन सा वर्ब होगा, एक्शन की नॉन एक्शन, एक्शन की नॉन एक्शन, तो क्या कहोगे? नॉन एक्शन वर्ब है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और बताइए, सॉरी, ईटिंग क्या है? एक्शन वर्ब है। और बताइए यही हैव का यूज़ किस की तरह हो जाए, ईट की तरह हो जाए, तो ये बताओ एक्शन वर्ब बना। जब एक्शन वर्ब बन गया तो अब इनके साथ आप आईएनजी का यूज़ करोगे। जैसे मैं बोलूँ आई एम ईटिंग लंच तो सही हो जाएगा, मैं लंच खा रहा हूँ या लंच ले रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच का मतलब भी वही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरह मैं कहूँ शी इज़ हैविंग फन, इसका मतलब वह मज़े कर रही है। और ऐसा कह सो शी इज़ एंजॉइंग, एंजॉय या हैव फन का मतलब क्या होता है? मज़ा करना। अब वही बात मैंने कहा, आई हैव फन, इसका मतलब क्या होगा? मैं मज़े करता हूँ, परमानेंट प्रोसेस की बात है। और इसके साथ आप नॉन एक्शन, सॉरी, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा सकते हो, आई एम हैविंग फन, मैं मज़ा कर रहा हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात, कोई अगर बोले तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वापस आओ, मैंने कहा शी हैज़ अ बेबी, और मैंने लिखा शी इज़ हैविंग अ बेबी, दोनों बड़ा फ़र्क है। अब ऑटोमेटिक ये बताइए, इसको क्या दिखा रहा है? परमानेंट प्रोसेस की बात कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका ना वो उसके पास एक बेबी है, उसके पास एक बच्चा है, यानी जन्म लिया हुआ है। समझ पा रहे? और यहाँ पे क्या होगा, जन्म लिया हुआ नहीं है, उसके मतलब एल्बम में, ये क्या कह सकता, प्रेग्नेंट वुमेन की बातें आप कर रहे हैं। सीधा सीधा शी इज़ हैविंग अ बेबी मतलब वो अभी प्रेग्नेंट है, अभी बच्चे हुए नहीं है, ऐसा सेंस की बात कर रहे हो। समझ पा रहे? यानी कंटिन्यूस वे 9 मंथ्स का जो पीरियड्स चलता है, या फिर आप क्या कहोगे, अंतराल चलता है बेबी को जन्म देने के लिए, उसका यूज़ इस सेंस में हुआ है। मालूम चला? किसी ने कहा है डू यू ईट समथिंग, या हो सकता है जो समथिंग की बात कर रहा हो, खाने की बात कर रहा हो, कोई भी, क्या विल यू ईट समथिंग, या कुछ खाते हो तुम, या फिर विल यू लाइक टू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे। और हो सकता है डॉक्टर ने उस मतलब लेडी को मना किया है कि आप ये नहीं खाएंगे, इससे बच्चे को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा या क्रिएशन होगा, उसके बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अगर बेबी ये जवाब, मतलब वो गर्ल्स जो है वो जवाब दे दे शी इज़ हैविंग अ बेबी, मतलब वो जब जवाब देगी आई एम हैविंग बेबी, तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि वो अभी बच्चे को प्रोसेस में रखेगी, यानी 9th मंथ का जो भी अंतराल चल रहा हो उसके कंटिन्यूस वे में। समझ में आया? और शी हैज़ अ बेबी का मतलब होगा उसके पास एक बच्चा है। समझ पा रहे? वो दोनों का सेंस अलग अलग होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो दोनों के यूज में अंतर होगा। क्लियर? हाँ, किसी का बच्चा कुछ दिन के लिए, नहीं नहीं वो उसका बात नहीं कर रही वो। समझ पा रहे? अगर वो किसी का भी बच्चा अगर लिए हुए है तो ऐसे केस में, वो जन्म दिया हुआ बच्चा है तो ऐसे केस में वो सेंस ऊपर वाला जाएगा, शी हैज़ अ बेबी। यहाँ पे ये बेबी का मतलब ये नहीं समझोगे अपना बच्चा है कि किसी से अडॉप्ट किया हुआ, वो दोनों का सेंस अलग अलग है। समझ पा रहे?
और दोनों के लिए वही यूज़ होगा, समझ पा रहे ना। और शी इज़ हैविंग अ बेबी का मतलब समझ में आ रहा है कि वो अभी कंटिन्यूस वूमेन है, प्रेगनेंसी की उस टाइम की बातें कर रहे हैं। क्लियर है, बताओ दोनों सेंटेंस में अंतर समझ में आया, कोई दिक्कत की नहीं है ना। चलो इन दोनों को कॉपी कर लेना। अब आते हैं यूज़ ऑफ हैव का सेंस खत्म हुआ, अब यूज़ ऑफ कुछ आपकी बातें करते हैं, लव की बातें करते हैं। कब आई एन जी आएगा, कब आई एन जी नहीं आएगा, वो वाली बातें उतार चुके थे। हिंदी मतलब समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक बात और है, देखो एक सेंटेंस मैं बोलूं आपको, शुरू में एक बात बताए थे कि देखिए जब भी प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट या तो वो वर्ब हो, ऑब्जेक्ट जब भी होता है तो नॉन या प्रोनाउन का फॉर्म होता है। नॉन बताओ क्या होता है, तो किसी भी नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नॉन समझोगे, और वही नॉन क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है, यानी जिस चीज़ का यूज़ नॉन के बदले किया जाता है उसी को तो आप प्रोनाउन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, खुद बताइए। मैं कहता हूँ, अब देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कभी, इंजूरियस टू हेल्थ, टू हेल्थ इसका मतलब क्या होगा, धूम्रपान सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इस अच्छा मैं कहूँ शी इज़ या ही इज़ कर लेता हूँ, लड़कियाँ तो करती नहीं, लड़के ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो शी ही इज़ स्मोकिंग कर लेता हूँ वह, अरे नहीं मतलब हमारी सोसाइटी में कल्चर की बातें करो, 90% लड़के इन्वॉल्व होते हैं, लड़कियाँ बहुत कम होती हैं। अरे हैं मुंबई दिल्ली के इलाके में या फिर बड़े बड़े शहरों में होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, वो बड़ी बाप की बोटी होती है, बिगड़ी होती है, तो बात अलग है, गाँव में भी हो रहा है। चलो ठीक है मैं मान के चलता हूँ, फिर भी मैं लड़के पे ज़्यादा फोर्स दूंगा भाई, वो ज़्यादा बिगड़ते। अब बताइए मैं कहता हूँ ही इज़ स्मोकिंग, इसका मतलब ये बताओ कि वह धूम्रपान कर रहा है। यहाँ पे बताओ स्मोकिंग क्या है, वर्ब, समझ पा रही कि नहीं पा रही। लेकिन यही स्मोकिंग यहाँ पे बताओ एक नॉन की तरह काम कर रहा है, जिरण का केस बता रहा है, वर्बल नॉन की तरह काम कर रहा है। देखिए स्मोकिंग का मतलब क्या समझोगे, यहाँ पे धूम्रपान, समझ पा रही कि नहीं पा रहे। अब यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, नॉन होगा, तो लेकिन कौन सा नॉन है, तो वर्ब से बना है इसलिए वर्बल नॉन का होगा, समझ पा रही कि नहीं पा रहे। और जितने भी जिरण के केस होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए इस लगाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बताइए क्या नॉन है यहाँ पे, लेकिन यही वर्ब का काम कर रहा है, दोनों देखो सेम है कि नहीं, लेकिन दोनों अब अलग अलग जगह पे काम कर रहा है, एक क्या है नॉन का काम कर रहा है, दूसरा क्या है वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ विदाउट, जैसे मैं कहूँ शी गोज देयर, ऐसे लिख देते हैं शी गोज देयर, इसका मतलब बताइए, शी गोज देयर वह वहाँ जाती है। मैं कहूँ बिना पैसे लिए या बिना पैसे रखे वह वहाँ जाती है, ठीक है ना, तो बिना के लिए क्या लगाओगे विदाउट। आप बताइए विदाउट क्या है, एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बात कर लेता हो ऑब्जेक्ट फॉर्म लेता है, समझ में आया। या ऑब्जेक्ट किसका बनता है, नॉन या प्रोनाउन का, नॉन का ही बनेगा, प्रोनाउन का बनेगा, नॉन का अगर बना है तो नॉन अपनी जगह पे लेता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, नॉन ऑब्जेक्ट में हो या सब्जेक्ट में उसके फॉर्म में तो चेंजेस नहीं आता। लेकिन बताइए जब प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन के फॉर्म में चेंजेस आता है, समझ पा रहे, सब्जेक्ट की जगह अलग होगा और ऑब्जेक्ट की जगह उसका प्लेसमेंट आई है तो मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट में जाके। उसी तरह बताओ यहाँ पे किसी तरह उसको क्या चाहिए, नॉन का ही केस चाहिए, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। आप बताओ या तो प्रोनाउन यूज़ हो सकता है, दोनों में से एक आएगा। अब यहाँ पे बताइए शी गोज देयर, वह वहाँ जाता है विदाउट, उसके बाद बिना पैसा रखे, तो रखे मतलब मैं कहूँ आई हैव मनी, तो इसका मतलब क्या समझोगे, मेरे पास पैसे हैं, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहूँ बिना पैसा रखे तो विदाउट, उसके बाद मैं हैव लगाऊँ या यहाँ पे हैविंग लगाऊँ, हैविंग मनी, बताओ क्या लगाना पड़ेगा आप, यहाँ पे हैविंग के साथ जाओगे, हैव के साथ तो नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, समझ में आया, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट बताइए जब भी लगाओगे तो वर्ब का, वर्ब को नॉन कैसे बनाते हैं, तो वर्ब में आईएनजी लगा के दोनों फंक्शन करने लगता है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि बताइए वर्ब ये जो हैविंग है क्या है, बताइए वर्ब का केस कर रहा है, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है या नॉन की तरह यूज़ हो रहा है, है ना, प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है, जिरण फॉर्म लेता है, यानी जिरण समझ रहे हो, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ लेता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा क्या लगाओगे वर्ब का यूज़ नहीं होगा, जिरण का यूज़ होगा, जिरण हमेशा किसके तरह करते हैं, नॉन की तरह फंक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में कहो शी गोज देयर विदाउट हैव या हैविंग मनी, तो विदाउट हैविंग मनी कहोगे, वो बिना पैसा के वहाँ जाती है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वो तो हो गया, यानी हैव का यूज़ कहाँ पे भी करोगे, जहाँ पे इसको जिरण तरह बनाने का ज़रूरत पड़ेगा तब भी हैव की जगह क्या लगाओगे, हैविंग का यूज़ आप करोगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ये भी केस आपको याद रखना,
अब यही केस आगे हम लोग ये भी ये पढ़ें। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फील। क्या पढ़ोगे? यूज़ ऑफ फील। जैसे हैव कैसे पढ़े थे, अब हेडिंग डालिएगा यूज़ ऑफ फील, यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट में और प्रेजेंट कंडीशन दोनों में कैसे यूज़ होता और कौन सा सेंटेंस कैसा। पहले तीनों का यूज़ आप हिंदी इसका भी कर लेना, वह वहाँ बिना पैसे के जाती है, शी ही इज स्मोकिंग, बाद धूमपान कर रहा है, हाँ उसमें यूज़ करना, उसके बाद यूज़ ऑफ फील डालना। इसको जल्दी से कीजिए। ऐसे अलग से जब वर्ब पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये मत समझना कि वर्ब बहुत नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की कई सारी कैटेगरी है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिर से वो रिमाइंड करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फील के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, फील का मतलब क्या समझते हो? एहसास, महसूस करना, है ना, है यही तो पढ़ते होंगे आप। चलिए हेडिंग डालिए यूज ऑफ फील। अच्छा मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, आई एम फीलिंग गुड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या समझोगे? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ आई फील गुड, आई फील गुड, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। इसका मतलब परमानेंट एक्शन है, ये क्या है? टेम्परेरी एक्शन है, तो भी कोई टाइम वम लगा नहीं है आगे चल के क्वेश्चन, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है ना, दोनों सही बोल सकते हैं। लेकिन सेंटेंस क्या, अभी मैं एक सेंटेंस लंबा लिखता हूँ, आई फील लिखता हूँ एक तरफ लिखता हूँ आई एम फीलिंग फीलिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैड वेन समवन, वेन समवन सेज टू मी यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। चलिए इनको इन्वर्टेड कॉमेंट रख लो या ना भी रख लो तो चलेगा। चलिए अब ये सेंटेंस में आपको बताना है कि यहाँ पे फील लगेगा या आई एम फीलिंग लगेगा। चैलेंज यहाँ पे होता है कि सेंटेंस जब बड़े बड़े लिखे हुए तब उसमें एरर कैसे पकड़ना, सही सेंटेंस कैसे पकड़ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ तक चलो दोनों सेंटेंस तो अपने जगह से, आई एम फीलिंग बैड लिखो या आई फील बैड, दोनों सही अपने जगह पे। मैं कहूँ आई एम फीलिंग बैड, मैं मुझे बुरा लग रहा, और मैं कहूँ आई फील बैड, मुझे बुरा लगता है, तो दोनों अपनी जगह पे सही है। लेकिन जब सेंटेंस बड़ा हो जाता है तब कैसे समझेंगे कि सेंटेंस ये लिखें या ये वाला लिखें? तो आपको पूरा सेंटेंस को पढ़ने के बाद मतलब निकालना होता है। और मतलब कैसे निकालेंगे? यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। कब? व्हेन समवन सेज टू मी, जब मुझसे कोई कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के, तुम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, एक अच्छे छात्र नहीं हो। तो बताओ जब जब कोई कहेगा तब तब आपको क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। ये तो नहीं कि कंटिन्यूस वे में चला जाएगा। फीलिंग परमानेंट आएगी कि नहीं आएगा? जब भी परमानेंट एक्शन के साथ जाओगे तो फील लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ नहीं जा सकते। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ यहाँ पे मालूम चला, ये तो पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा देखो, यहाँ पे तो फील सही है, अब फील में दूसरा सेंटेंस मैं ये जोड़ लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ डॉक्टर आप हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो, और डॉक्टर आपको मेडिसिन दिया, और थोड़ी देर के बाद आपसे पूछा आप कैसा फील कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूस में चलेगा, टेम्परेरी पूछ रहा है कि आप अभी कैसा लग रहा है आपको, समझ, परमानेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेरी की बात कर रहा हूँ। आपको अभी कैसा लग रहा है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, इसका मतलब क्या समझोगे? हाँ अभी आपको कैसा लग रहा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, डॉक्टर ने ऐसा पूछा, तो बताओ आई एम फीलिंग गुड, एक सेंटेंस आपको दिया जाए, और दूसरा दिया जाए आई, एक सेंटेंस ले लो सेंटेंस बी, आई फील गुड नाउ, ऐसा लिख लेता हूँ, एक लिखा हूँ आई एम फीलिंग गुड नाउ। बताओ आपको दोनों में से कौन सा सही सेंटेंस बोलना है? क्या आप ये दोनों सेंटेंस तो दोनों सही है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बोलोगे?
आई एम फीलिंग गुड नाउ बोलोगे, मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, टेम्परेरी बोलोगे आई फील गुड नाउ, क्या ये सेंटेंस बनेगा सही? मैं अच्छा महसूस करता हूँ अभी, ऐसा थोड़ी हो, मैं अच्छा महसूस करता हूँ परमानेंट वाली बात है, जबकि वो टेम्परेरी पूछा तो ऑप्शन वाला ए सही है, सेंटेंस बी गलत है। यानी आपने देखा कि फील के साथ आईएनजी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, प्रेजेंट इन डिफरेंट भी यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज़ हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत क्यों तो नहीं है? अच्छा, मैं लिखूँ विदाउट, अब देखो प्रीपोजिशन मैंने लिखा विदाउट, मैं लिखता हूँ फील और विदाउट फीलिंग, बताओ दोनों में से कौन सा सही होगा? विदाउट तो प्रीपोजिशन, इनके बाद ये लगाओगे कि इनके बाद ये लगाओगे? अब देखो प्रीपोजिशन जब भी लेता है तो अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, वर्ब तो लेगा नहीं, और वर्ब नहीं लेगा तो फील तो नहीं हो नहीं सकता, और वर्ब को एक आज़ादी भी है कि जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो ये किस तरह से काम करता है, जिरंड की तरह, जिरंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है, समझ पा रहे कि नहीं? जैसे स्मोकिंग वाला केस था तो विदाउट फीलिंग लिख के जाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखो मैं हिंदी उन्दी नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर है? कभी नहीं समझ में आ रहा, बाउंस कर जा रहा नहीं ना? चलिए जल्दी कीजिए। देखिए ऐसे कहीं ऐसे देखो, ये नाउ की वजह से क्या होता है, टेम्परेरी एक्शन को दिखाता है, परमानेंट एक्शन को नहीं दिखाता। नाउ राइट नाउ इसका क्या है? टेम्परेरी एक्शन को ही दिखाता है। ये एडवर्ब की तरह अगर फंक्शन कर रहा तो यानी जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए? टेम्परेरी होना चाहिए। टेंस कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा वर्ब के ऊपर डिपेंड होता है, जैसा वर्ब वैसा टाइम, इसी को टेंस कहते हैं, समझ में आ रहा है? और जैसा मतलब एडवर्ब है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर टेम्परेरी वर्ब है नाउ, नाउ मतलब राइट नाउ मतलब अभी की बात कर रहा हूँ, परमानेंट की बातें नहीं कर रहा, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? टेम्परेरी में चला जाता है। क्लियर है? या पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, मीनिंग का, सेंटेंस का मीनिंग देखना पड़ेगा, उसका मीनिंग क्या दे रहा है, समझ पा रहे? उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस यूज़ होता है। अब देखो हम लोग बात करेंगे स्मेल की, बात करेंगे किसकी बात करोगे? स्मेल, स्मेल का मतलब क्या होता है? महकना। अच्छा ठीक है, चलो अब इन सभी बातों को मैं हटा दूं। चलो देखो प्रेजेंट इंडिफरेंट में भी कैसे यूज़ हो रहा है, अभी बहुत सारे एडवर्ब हैं जैसे ऑलवेज है, रेयरली है, सेल्डम है, बस ये सब सभी पढ़ेंगे अभी, अभी बहुत सारा यूज़ चलेगा इसके ऊपर तब ये ख़त्म होगा। देखो मैं सेंटेंस लिखता हूँ आई एम, आई स्मेल, आई स्मेल का मतलब क्या समझते हो? हाँ आई स्मेल का मतलब बताओ। हाँ क्या होगा? व्हाट डू यू मीन? हाँ मैं सूंघता हूँ। अच्छा आई एम स्मेलिंग, मैं सूंघ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना? अब चलो मैं सूंघता हूँ और मैं सूंघ रहा हूँ, ठीक है ना? मैं कहूँ रोज़ मतलब क्या समझोगे? गुलाब का जितना फूल है सभी की बात है। स्मेल लिखता हूँ एक तरफ, मैं लिखता हूँ इज, आर लगाना पड़ जाएगा, चलो आर स्मेलिंग, और मैं लिखता हूँ गुड, ठीक है। अब इनमें से आपको वर्ब का सिलेक्ट करना है कि बताइए इनमें से कौन सा वर्ब सही होगा। अब देखिए खुद बताओ, रोज़ का जितना गुलाब के फूल है वो हमेशा अच्छे महकेंगे, महक रहे हैं ऐसा तो नहीं कहोगे, अच्छे महकने बाद में नहीं महकते क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब आप आर स्मेलिंग नहीं करके आप क्या लगाओगे? स्मेल गुड। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो दूसरा, ठीक है ना, मैं लिखूँ, मैं लिखता हूँ एट स्मेल्स, एट स्मेल्स, उसके बाद मैं लिखूँ इज स्मेलिंग, ठीक है ना, स्मेलिंग, उसके बाद मैं लिखूँ बैड। अब इसमें से आपको वर्ब सेलेक्ट करना। अब देखो दोनों, अब देखो इट स्मेल्स बैड का मतलब क्या होगा? या बुरा महकता है, और मैं लिखूँ इट इज स्मेलिंग बैड, इसका मतलब गंदा महक रहा या बुरा महक रहा। क्लियर है? अब ऐसे सिचुएशन में इट तो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि किसकी बात हुई है, तो ऐसे सेंस में ये भी सही हो जाएगा, जो मतलब परमानेंट महकता गंदा महकता ऐसे केस में ये भी सही है, और जो टेम्परेरी महकता वो भी सही है। अब देखो कहाँ पे कैसे यूज़ करो, जो चीज़ परमानेंट गंदा महकता तो आप स्मेल्स के साथ चले जाएंगे, और जो चीज़ टेम्परेरी महक रहा तो उसके साथ इज स्मेलिंग लगाओगे। आपने रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे जाते ही जब भी मतलब रेस्टोरेंट का वहाँ वेटर सर्व आपको कुछ करता है और वो गंदा महकने लगा, तो आप क्या लगाओगे? इट स्मेल्स बैड लगाओगे कि इट इज़ स्मेलिंग बैड लगाओगे? तो वहाँ पे इट इज़ स्मेलिंग बैड कहना पड़ेगा कि वह गंदा महक रहा, ऐसा नहीं कर सकते इट स्मेल्स बैड, इसका मतलब वो परमानेंट गंदा महकता है, तो ऐसे सिचुएशन तो रेस्टोरेंट ख़राब हो गया, वहाँ पे तो कोई जाएगा नहीं, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो बताओ यहाँ पे भी ये सही है और यहाँ पे भी ये सही, मतलब सेंटेंस दोनों सही है कहने पे, लेकिन किसको कहाँ पे यूज़ करना समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे ना? तो इसको जल्दी से आप कॉपी कर लेना कि स्मेल भी लगा सकते हैं, स्मेल्स भी लगा, स्मेलिंग भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका मीनिंग क्या है, यानी स्मेल में आईएनजी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कंटिन्यूस प्रोसेस भी होगा और टेम्परेरी प्रोसेस दोनों के साथ जाएंगे। क्लियर?
तो इसको जल्दी से आप कॉपी करें। चलिए देखो, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनका यूज़ प्रेजेंट इंडिफरेंट में होता है, और कई ऐसे सेंटेंस हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेन तौर पे 80-90% के इसमें प्रेजेंट इंडिफरेंट में यूज़ होता है, और ऐसे एडवर्ब को हिंट्स या कीवर्ड्स के जरिए आप लोग दिखाते हैं। देखो अगर कहीं भी आपको दिखा हुआ, आप कई ऐसे एडवर्ब है जैसे लिख लो, मैं इसको आप कल पढ़ाऊंगा, ऑलवेज हो गया, मैं लिखूँ नेवर हो गया, मैं लिखूँ सेल्डम हो गया, मैं लिखूँ रेयरली हो गया, मैं लिखता हूँ बेयरली लिखना होगा, ठीक है ना, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, ठीक है ना, ये सब के, ये सब ऑफन हो गया, चलो लिख लो OFTEN ऑफन हो गया, ये सब जितने भी एडवर्ब हैं सबका यूज़ आप प्रेजेंट इंडिफरेंट में करते हो। ऐसा लेकिन नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट में यूज़ होगा, इसका यूज़ आप आगे चल के हम दिखाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनका मीनिंग मतलब इलॉजिकल निकलता है, जिसका यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ 100% प्रेजेंट इंडिफरेंट में इसका यूज़ आप करोगे तो एकदम लॉजिकल निकलता है, इसीलिए इसको हिंट्स या कीवर्ड्स के जरिए आप इसका यूज़ करते हो प्रेजेंट इंडिफरेंट में। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही सिर्फ यूज़ होगा, प्रेजेंट आप देखो किस किस में यूज़ होगा, देखो प्रेजेंट इंडिफरेंट में ये सब का यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका यूज़ करोगे आप नेवर का भी यूज़ कर सकते हो, ये सब का यूज़ ना के बराबर होगा, लेकिन आगे चल के करेंगे कि पास्ट इंडिफरेंट में भी इन सभी का यूज़ आप कर सकते हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और ऐसे कई जगह पे ऑलवेज और नेवर हैं, या ऑलवेज नेवर का यूज़ आप कई ऐसे सेंटेंस है जिसका यूज़ आप वहाँ पे करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट नहीं होगा, 10-20% ऐसे जगह पे मैं करके दिखाऊंगा कि हो सकता है एडवांस लेवल का कभी क्वेश्चन पूछ ले, तो आप सिर्फ रटे में ना रहो कि इसका यूज़ सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट में होता है, इसका यूज़ प्रेजेंट इंडिफरेंट के अलावा भी कहाँ कहाँ पे होता है उसका यूज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिए। क्लियर है? अब कल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कवर हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट दोनों एक बार खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का एडवांस में एंट्री करके, और लगभग पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक का जितना भी एडवांस टॉपिक है सबको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। क्लियर है? तो कल क्लास रखा ही जाए, ठीक हो गया कि नहीं रखूँ? कल संडे है, रखा जाए? अच्छा चलो परसों ही रहेगा, कल लीव कर लो, ठीक है, तो वी विल मीट यू ऑन मंडे डायरेक्टली, तो ये बातें याद रखना है बस, ठीक है? हाँ कल आपको दिए थे कि जितनी भी बातें हैं सबको कॉपी करके, चलो ये तो अब हो गया है, ये भी अब जो लोग एब्सेंट होंगे जाके अपना रिकॉर्डेड मेल देखेंगे, ठीक है, चलो।